Welcome back. So we're going to talk about Jonathan Swift. Jonathan Swift Ireland ke andar paida hue aur he was, you know, posthumous son. Posthumous son mean when he born his father was died. He was fatherless. Ultimately mother left, father died. He was altogether in the hand of the uncle. Uncle brought him up. First he got admission in Kalkenny Grammar School. After that he joined Trinity College. You know that he has got relation, especially relatives in England. So sometime he goes England and come back and going to England, coming back, and like that he spends his life. Born in Dublin, Ireland, posthumous child, father died, mother left. Born in Dublin, Ireland, posthumous child, and father died, mother left. इसका मतलब होता है कि posthumous child का मतलब होता है he was born after the death of his father. Suffered from the poverty. यानी बहुत गरीब था. Education Kalkenny Grammar School. मैंने बताया कि पहले उसने Kalkenny, उसके अंकल जो है उसको Kalkenny Grammar School आयरलैंड के अंदर उसको एडमिशन करवाते हैं. 1682 and 86 Trinity College in Dublin. उसके बाद 1689 went to England. 1689 में ये ब्राइट फ्यूचर के लिए इंग्लैंड जाता है क्योंकि इंग्लैंड जो था वो उससे ज्यादा आयरलैंड से डेवलप्ड है. वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्यादा वर्क कर रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड जो है अल्टीमेटली सारे दूसरे तीन कंट्री जो थे, थ्री स्टेट जो थी, इंग्लैंड के लोग ही हुक्मरानी कर रहे थे. जैसे आयरलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ये तीनों स्टेट जो थी इसके ऊपर क्वीन एन जो है उस वक्त हुकूमत कर रही थी. क्वीन एन, वहां पे क्वीन होती थी और वो जो है हुकूमत कर रही थी. जैसे एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ है, ऐसे इसी तरह एलिजाबेथन एज उसके नाम से जानी जाती है, और उसके बाद विक्टोरियन एज जो है वो भी क्वीन के नाम से. तो इसी तरह क्वीन एन जो है वो उस वक्त हुकूमत कर रही है. क्वीन एन होप टू गेन अ परमानेंट इन द एंग्लिकन चर्च. ये एंग्लिकन चर्च में कोई सीट हासिल करना चाहता था. मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो प्रोमिनेंट टू पार्टीज थी, एक थी विक और दूसरी क्या थी, टोरे. अब टोरे और विक जो है ये दो पार्टी मेन है. पहले ये टोरे पार्टी के साथ होता है, लेटर इसको होप मिलती है कि वो इसको क्या बनाएंगे, चर्च का, एंग्लिकन चर्च के अंदर वो कोई पोजीशन देने वाले हैं. तो ये अपनी फेवर जो चेंज करके किसकी तरफ ले जाता है, अल्टीमेटली विक की तरफ, विक पार्टी की तरफ. होप टू गेन अ परमानेंट इन एंग्लिकन चर्च. अब ये इस उम्मीद पे है कि वो आयरलैंड से वहां पे गया है ताकि वो एक किसी चर्च का डीन बन जाएगा. वर्कड विद सर विलियम टेम्पल. मैंने आपको बताया कि विलियम टेम्पल जो है उसकी मदर का रिलेटिव है और वहां उसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वो भी एक राइटर है. उसने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, ये उससे बहुत मुतासर होता है और उसके साथ रहता है. उसकी एक इलेजिटिमेट बेटी है, उसका नाम ये स्टाइला रखता है. वो 9 ईयर ओल्ड होती है, उसको पढ़ाता भी है और अल्टीमेटली उसी से शादी कर लेता है. और उसके ऊपर भी इसने बहुत सारी लिखा है, उसके ऊपर पोएम्स वगैरह लिखी हैं. बिगिन टू सफर फ्रॉम द मेनरियर डिजीज. ये एक डिजीज है, उसमें ये मुबतला होता है अल्टीमेटली उसी से. एंड गॉट एमए डिग्री फ्रॉम द ऑक्सफर्ड. और ऑक्सफर्ड से इसने एमए डिग्री जो है वो भी हासिल की है. नेक्स्ट देखिए, इसका वर्क जो है ये ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा, आप जानते हैं
लेक्जेंडर पोप को, तो लेक्जेंडर पोप भी एक हिस्टोरिकल वर्क करता था, तो ये भी स्टार लिखता है, ज्यादा स्टार करता है सोसाइटी के ऊपर। स्टार किसके ऊपर? लोगों के ऊपर। तो लोगों के ऊपर उनको फिक्स करने के लिए, जैसे उसने जोनाथन स्विफ्ट ने एक लेटर लिखा अलेक्जेंडर पोप को, उसमें लिखा कि माई एम टू वैक्स द वर्ल्ड नॉट टू डिवर्ट द वर्ल्ड, मैं दुनिया को वैक्स करना चाहता हूँ, उनको एजिटेट करना चाहता हूँ, उनको प्रवोक करना चाहता हूँ कि दे शुड थिंक व्हाट दे डूइंग। तो ये कहता मेरा मकसद है। अ टेल ऑफ द टब इसका वर्क है, मैंने बताया कि टेल ऑफ टब में यूं है कि इसमें थ्री जो एक खानदान है उसके थ्री बेटे हैं, और वो अपने कैसे एंसेस्टर जितने भी उनके कन्वेंशनल ट्रेडिशनल और जितने भी पुराने उनके रूल्स नॉर्म्स हैं वो कैसे हट गए हैं, इसी तरह थ्री बेटों को वो इसमें वो बताता है, स्टार करता है इंग्लैंड के लोगों के ऊपर, वो किस तरह अपने नॉर्म से हट गए हैं। उसमें वो तीन बेटों का जिक्र करता है टेल ऑफ टब में, जिसमें एक जो है वो एंग्लिकन है, जो उसका सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, उसको बताता है, दूसरा प्रोटेस्टेंट को बताता है दूसरों को, और तीसरा जो है वो सेक्ट है इनका कैल्विन, कैल्विन जो इनका ये तीनों सेक्ट हैं इनको वो डिस्कस करता है। द बैटल ऑफ द बुक्स के ऊपर ओल्ड और पुराने और नए राइटर्स जो हैं वो कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, और ये पहले विलियम टेम्पल ने लिखा था ऐसे मैंने बताया, और उसके बाद इसने खुद वर्क किया। अ मॉडस जो है वो इंग्लैंड की जो पुअर लोगों की जो स्टेज जो पोजिशन है उसको इसके अंदर बताया गया। मेडिटेशन अबाउट द ब्रोमस्टिक और गुलेवर ट्रैवल जो हमने अभी पढ़ना है। अबॉलिशिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड एंड ऑन द कंडक्ट ऑफ एलाइज। उसके बाद बैरियर ट्रीटीज, पब्लिक स्पिरिट एंड विग्स, ब्यूटिफुल यंग निफ गोइंग टू बेड, और गैडनेस एंड वेनिसा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिटी शावर्स। तो ये सारे जो वर्क हैं ये इसके हैं। उसके बाद अगर इसने जर्नल टू स्टेला लिखा है, जो इसकी वाइफ थी, आल्सो रोट मेनी सर्मन्स प्रेयर्स, और ये एक प्रीस्ट भी था तो इसने सर्मन भी बहुत सारे लिखे। सी नेक्स्ट, आगे देखिए। अ वॉयज टू द लिलीपुट, जो पहला इसका वॉयज है जो इसने गुलिवर, यहाँ पे ये गुलिवर आप बात याद रखिएगा, ये इसका एक प्रोटैगोनिस्ट है, इसके वर्क का क्या है, ये एक माउथपीस है इसका, ये खुद नहीं है गुलिवर, इसका क्या है, इसने बनाया है, करेक्टर बनाया है, तो आप ये ना समझिएगा कि ये इसका माउथपीस है, ठीक है, तो ही हैज क्रिएटेड हिज माउथपीस, उसके जरिए वो सोसाइटी को बेसिकली क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो अ वॉयज टू द लिलीपुट, लिलीपुट वो जो छोटे छोटे लोग हैं उनको कहते हैं, ये सारे लिलीपुट हैं, बस देखें ये सारे जो हैं, ये वाले ऊपर चढ़े हुए हैं, उसको बांधा हुआ है, तो ये सारे लिलीपुशन है, ये छोटे छोटे लोग हैं। अ वॉयज टू द ब्रॉबडिंग, दूसरा उसका क्या, कौन सा, ब्रॉबडिंग नैंग। अवॉय टू द लपूटा, जो यहाँ पे वो साइंसदान है और पागल साइंसदान है और वो अजीबो गरीब किस्म के तजर्बे कर रहे हैं, वो ह्यूमन वेस्ट को एडिबल में बदल रहे हैं, वो खीरे से रोशनी तलाश कर रहे हैं, वो जो है पत्थरों से मार्बल को तकिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अजीबो गरीब किस्म के काम कर रहे हैं। और उसके बाद लगनेक और एट जापान और ग्लब ड्रिप ड्रब और ये सारी प्लेस और बालनी बारबी, ये सारे डिस्कस होते हैं लपूटा के अंदर, जो हमने तीसरा इसका वॉयज पढ़ना है, और मैंने ये सारा आपको बताया। अवॉय टू द कंट्री ऑफ द होनम्स, होनम्स जो है ये याहूज हैं, हॉर्सेज हैं, और ये इतने इन्होंने वर्क किया है होनम ने कि ये इंसानों से बहुत आगे निकल गए हैं। यहाँ पे ये क्रिटिसाइज करता है इंसानों के ऊपर, जो हम इंसान बने फिरते हैं, हम लोग बहुत लस्टी हैं, सेक्सुअल हैं, और बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान करते हैं एक दूसरे का। किसी ने पूछा कि तुमने बहुत ज्यादा बिटर क्रिटिसाइज किया इंसानों के ऊपर, उसने कहा कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इंसान, आप जिसको इंसान कहते हैं कि बड़ा वो रैशनल ह्यूमन बीइंग है, तो फिर वो लोगों को धोखा क्यों देता है, लोगों की इज्जतों से क्यों खेलता है, लोगों के नाहक कब्जे क्यों करता है उनकी लैंड के ऊपर। इंसान तो बहुत लस्टी है, इंसान तो बड़ा हवस का मारा हुआ है, उस वक्त आपको पता है इंग्लैंड बहुत सारे कंट्री पे कब्जा भी कर रहा था, तो ये इंसानों के ऊपर, उस वक्त के लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। गलिवर ट्रैवल वो कहता है कि इंसान को आप रैशनल ह्यूमन बीइंग कहते हो, तो फिर ये लोगों के कंट्री के ऊपर कब्जा क्यों करता है, उनको नाहक कत्ल क्यों करता है, उनकी इज्जतें क्यों लूटता है, उनको क्यों हवस की नजरों से देखता है इंसान। तो कहता है इंसान कैसा रैशनल फिर ह्यूमन बीइंग है, असल में वो कहता है कि जानवर इंसान से ज्यादा अच्छे हैं। इज द स्टोरी ऑफ द लेम्यूल गुलिवर्स एंड हिज वॉयज अराउंड द वर्ल्ड प्रीफेस्ड बाय द टू लेटर अटेस्टिंग टू द ट्रूथ ऑफ द टेल्स।
Adventures are told by the Gulliver after return home from the final journey. जब वो final journey से आता है, तो वो Gulliver अपनी पूरी दास्तान सुनाता है. Next देखें. Introduction to the Gulliver Travel. Gulliver Travel, Jonathan Swift's best fictional work, was published in 1726. यानी ये 1726 में उसका वर्क है जो पब्लिश हुआ. और इसमें देखिएगा ये 1726 में अंडर द टाइटल ऑफ द ट्रेवल्स इनटू द सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बाय सैमुअल गुलिवर. यानी इसका पूरा नाम क्या था, टाइटल ऑफ द ट्रेवल, ये याद कर लें, ये आपको आ सकता है. वो क्या टाइटल्स under yani the title of the travel into the several remote nations of the world by Samuel Gulliver. yani Samuel Gulliver bahut sare remote area ka safar karta hai. The book contains four parts. Iske four part hain dealing with the particular voyage during the Gulliver meet with extraordinary adventures on some remote island. yani bahut sari island ke upar jata hai aur un island ke upar wo bahut sare bahut kism ke लोगों को देखता है. पहले उसने लोग देखे छोटे, फिर उसने देखे 72 फीट बड़े, और फिर उसने मजीद देखे लपूटा साइंस, पागल साइंसदान, चौथे भी उसने देखे होनम्स और उनकी सारों की एक्टिविटी जो है वो बताता है. यानी शिप जो है वो रैक होता है, उसके बाद पायरेसी एंड सम अदर मिसफॉर्च्यून्स, ये सारी उसके साथ होती है. लेट्स सी ये देखें, ये उसका पहला सफर है यहाँ पे बताया, ये दूसरा सफर है, और ये उसका चौथा सफर है, ये उसका तीसरा, और ये चौथा होनम वाला सफर है. पार्ट थ्री में वो बताता है कि द थर्ड पार्ट डील विद द मेनली विद हिज एक्सीडेंटल विजिट टू द फ्लाइंग आइलैंड. और यहाँ पे वर द फिलोसफर्स एंड द projectors devote all the times and energy to the study of some absurd hota meaningless. Absurd ka matlab kya hota hai, meaningless, bekar kamon ke andar pade hue hain. Kaun sainsdan kya kar rahe hain, khire se roshni hasil, pattharon se takiye aur human waste ko edible banane ki koshish, qabile istemal. Their scientists are engaged in the project of extracting sunbeam out of the cucumber, turning into the gunpowder and making cloth of the cobweb. And cobweb se wo kya bana rahe, cloth. And it is a parody of the scholastics and the projector. Us waqt ke jo bade bade scholar the ya scientists the, unke upar kyun kya kar raha hai, satire kar raha hai is shakal mein. पार्ट फोर में वो हॉर्सेस को मिलता है या होनम्स को. होनम जो है वो बड़े रैशनल ह्यूमन बीइंग बन गए हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं, और जबकि इंसान जो है वो बैक फुट पे, उनको बताता है कि वो बड़े लस्टी हैं, बड़े सेक्सुअल हैं, बड़े वाइल्ड हैं. पार्ट फोर में वो बताता है आपको कि द लास्ट पार्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ हिज डिस्कवरी एंड द होनम्स लैंड वेयर द हॉर्सेज आर इंडोर्ड विद द रीजन. वहां पे वो रीजन हासिल कर रही है, अकल हासिल कर रही है घोड़ों ने, एंड एडमरेबल क्वालिटीज एंड द ग्रोव एंड गवर्निंग्स. और क्या कर लिया उन्होंने, गवर्निंग एंड गवर्निंग्स. और वो क्या कर रहे हैं, गवर्निंग कर रहे हैं. कंट्रेरी टू द होनम्स द याहूज पोजेस एवरी कंसीवेबल इवल. अब याहू जो इंसानों जैसे हैं, जो कि बड़े लस्टी हैं, बड़े वाइल्ड हैं, और वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. होनम की फीमेल उनसे महफूज नहीं है. वो कहते हैं कि हम कोई इनके लिए मेथड सोच रहे हैं कि किस तरह से या तो इनको इम्पोर्टेंट कर दिया जाए या इनको परमानेंटली इनको यहाँ से वाश कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए इनकी नस्ल को. एज मच ही इज डिस्गस्टेड विद द याहूज हूज रिलेशंस रिमाइंड हिम ऑफ दोस एग्जिस्टिंग इन इंग्लैंड इंग्लिश सोसाइटी. यानी वो जो है बिल्कुल इंग्लिश सोसाइटी जैसे हैं, और वो वही काम करते हैं, लोगों की इज्जत लूटते हैं, लस्ती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके कंट्री पे कब्जे करते हैं. तो ये वही काम कर रहे हैं. पार्ट फोर में लैंड ऑफ द होनम्स, ये स्पेलिंग आपने याद करने हैं थोड़े से, HOUYHNHNMS होनम्स. होनम्स का मतलब क्या है, हॉर्सेस. खुद ही वर्ड जो है वो यानी हॉर्सेस, HOR
यानी ये हॉर्सेस जो हैं ये बहुत अकलमंद हैं, बड़े रैशनल ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, इन्होंने अकल हासिल कर ली है और ये इंसानों से बहुत आगे निकल गए हैं। यहाँ पे वो इंसानों के ऊपर स्टायर करता है। पार्ट फोर के अंदर गलिवर इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द फाइनल जर्नी। ही लव्स द होनम्स एंड विशेस टू स्टे विद देम बट ही कैन। उनके साथ रहना चाहता है लेकिन वो कहते हैं कि लगते तो तुम फिर इंसानों जैसे ही हो, याहू जैसे हो, तो अल्टीमेटली तुम हमारे लिए खतरा हो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। तो वो घोड़े उसे अपने पास नहीं रखते। होनम्स आर द रेस ऑफ द इंटेलिजेंट हॉर्सेस एंड डिस्क्राइब इन द बुक। यानी जो होनम है वो बड़े इंटेलिजेंट हैं और उनको बड़ा उसने बताया कि वो बड़े अकली लोग। डिस्क्राइब इन द बुक फॉर गलिवर्स ट्रेवल्स कंट्रास्ट अगेंस्ट याहू। अब याहू जो है अल्टीमेटली आप देखें ये याहू है, इनकी देखें शक्लें कैसे दिखाई गई। अब ये जो घोड़े हैं ये जानवर हैं लेकिन ये दिखाए गए बड़े अकली हैं। अब यहाँ पे देखें ये उनको बांध के रखा हुआ उन्होंने कि ये जो देखें इनसे वर्क ले रहे हैं। अब देखें इंसान जो है वो जानवर बनाए हुए हैं, जबकि जो जानवर है उसने वो क्या बनाया, ये एक बहुत बिटर स्टायर है इंसानों के ऊपर कि इंसान जो है लस्टी है, इंसान जो है वो लस्ट पावर की है, वेल्थ की है, ठीक है, जिस्म की है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके कंट्री पे कब्जे करते हैं, उनकी दौलत लूट लेते हैं, रॉबर हैं, प्लंडरर हैं और क्या इंपीरियलिस्ट हैं, और ये सारे काम जो है इंग्लैंड के लोग आपको पता है कब्जे कर रहे थे। तो इस तरह के वो इंसानों के ऊपर स्टायर कर रहा है कि अच्छे लोग नहीं इंसान। कहता द होनम्स आर द क्लेवर्स पीसफुल एंड ट्रस्टवर्दी बट ये जो है वो क्या है, क्लेवर है, पीसफुल है, trustworthy हैं, but they are passionless and dull. In the end, human beings are somewhere between the Honams and the Yahoo. अब यो जो दूसरे हैं, Yahoo जो हैं, वो जैसे ये kindly अपना माइक जो है ऑफ कर दें। देखिएगा द होनम्स गुलिवर लुक लाइक द याहू टू द होनम। होनम उसे क्या समझते हैं कि ये भी तो याहू जैसा ही है, तो वो उसे कहते हैं कि भाई आप हमारे बीच नहीं रह सकते। व्हेन गुलिवर रिटर्न टू द इंग्लैंड एंड इन द एंड द बुक ही कैन नॉट बियर अराउंड द पीपल्स लुक लाइक मिरर्स के वो याहू जैसे लगते हैं दूसरे लोग, तो वो क्या घोड़े रख लेता है और घोड़ों के साथ रहना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे वो क्या मिसएंथ्रोपिक एटीट्यूड जो है वो कोई दिखाता है याहू। अब ये देखें शक्ल जो याहू की दिखाई गई है, वो ऐसे लोग थे, उनके जिस्म ऐसे हैं और वो क्या हैं, बिल्कुल ब्रूट किस्म के लोग हैं। याहूज जो हैं वो इंसान हैं, शक्लें इंसानों जैसी हैं लेकिन उनके वर्क ऐसे ही हैं जैसे वो न्यूड फिर रहे हैं, नंगे फिर रहे हैं। तो उनके जिस्म देखें किस तरह के हैं। Gulliver describe them to be of very savage, बड़े वाशी किस्म के लोग, and ugly and unpleasant, and they live in a servile to the Honums. और वो होनम के नीचे रह रहे हैं, होनम जो है वो उनको गवर्न कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे they are beast and look like the human. और वो human जैसे हैं लेकिन वो ऐसे जैसे कुछ जानवर होते हैं, beast होते हैं, वाशी किस्म के लोग हैं। Gulliver despises the Yahoo, वो नफरत करता है, he hates that. वो नफरत करता है that the Honums mistake him as a Yahoo because they are similar to some way. अब वो कहता है कि अब Honum जो है वो उसे भी Yahoo ना समझे क्योंकि वो भी तो Yahoo जैसा ही है, शक्ल तो वैसी है। At the end, Gulliver finally comes to realize that he is actually a lot like a Yahoo. आखिरकार उसे पता चलता है कि वो भी Yahoo जैसा ही है। Gulliver's end of the story. By the end of the story, वो क्या होता है फिर? By the end of the story, the book, Gulliver has basically been driven mad and he cannot bear to look at his wife and family. Ab uski wife bhi to Yahoo jaisi hai. He buys some horses and spend his time talking to them. Wo horses buy kar leta hai, wo bas unke saath hi rehna shuru kar deta hai, biwi bachchon se bhi dur ho jata hai. To ye hai all about Gulliver travel. Kal hum iski first assignment bhi padhenge aur isi tarah isko discuss karte rahenge. अभी मुझसे फौजिया ये सोबिया पूछ रही थी कि सर कौन सी बुक है, मैं आपको बता देता हूँ।